अगर आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट की तरफ से एक न्यू पोर्टल लॉन्च हो चुका है और इस पोर्टल के माध्यम से अब आप लोग किसी का भी एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस न्यू पोर्टल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, साथ ही आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप इस न्यू पोर्टल की आईडी और पासवर्ड किस तरह से फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका आईडी और पासवर्ड बिल्कुल फ्री में मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है dccrsorgi.gov.in। इतना टाइप करने के बाद में आप जैसे ही सर्च करेंगे तो जो पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिखाई देगी आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट के इस न्यू पोर्टल पर। और इस पोर्टल का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर की साइड में आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहीं पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑप्शन है जनरल पब्लिक और दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड फंक्शनरीज या फिर इंस्टीट्यूशन। तो हम यहां पर पब्लिक लॉगिन करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है जनरल पब्लिक, आपको इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने फर्स्ट नेम को एंटर करना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को एंटर करेंगे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को भी फिल कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहां पर अपनी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहां से अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो सभी स्टेट के नेम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपने विलेज या फिर टाउन का नाम सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने अगर विलेज सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर पूरे विलेज की लिस्ट आ जाएगी। अब आपका जो भी विलेज है इस लिस्ट में से अपने विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर करना है, अगर कोई भी बिल्डिंग नेम है तो यहाँ पर फिल करेंगे, हाउस नंबर है तो फिल करेंगे और नहीं तो इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर स्ट्रीट नेम और लोकेलिटी या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर देंगे। आप चाहें तो ये सब चीज़ छोड़ भी सकते हैं, जहाँ पर रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें आप लोगों को ज़रूर ही फिल करनी है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन को देना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर को फिल करना है और यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में अगर इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे, अगर और किसी देश से हैं तो अदर वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मोबाइल नंबर है वह वेरीफाई हो चुका है और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है, एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड पर फिल करना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी ईमेल आईडी दी है इस ईमेल आईडी पर भी ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो भी ईमेल आईडी पर ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपका आईडी और पासवर्ड है वह यहां पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहां पर लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको या तो अपनी ईमेल आईडी डालनी है या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके फिल करना है और इसके बाद में आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रोफाइल कंप्लीट करने का पेज आ जाएगा, जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से ही फिल रहेगी। यहाँ पर आपका नेम पहले से ही फिल रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी और मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें फिल रहेंगी, लेकिन जो चीज़ें फिल नहीं हैं उन चीज़ों को आप लोगों को अपने आप ही खुद से फिल कर लेना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो लिख के आ चुका है यूजर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर बर्थ का और दूसरा ऑप्शन है डेथ का, और यहाँ पर आप लोगों को तीसरा ऑप्शन मिल जाता है स्टिल बर्थ। तो अगर आप लोगों को एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप लोगों को जो बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बर्थ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्च बर्थ रजिस्टर, आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का पूरा फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिल करना है, इससे रिलेटेड मैं एक अलग से पूरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप लोग एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूं तो आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिए। तो जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का कंप्लीट